इधर यूपी में प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती का विवाद गर्म है। शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के बाद कई शहरों में हंगामा जारी है। सरकार ने परीक्षा नियामक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। ये देखिए कैसे पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को घसीट रही है। इस तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये पुलिस वाला कैसे इस प्रदर्शनकारी के गले में पड़े भगवा रंग के अंगोछे को खींच रहा है। दूसरा प्रदर्शनकारी पुलिस के पैरों में पड़कर रहम की भीख मांग रहा है। तस्वीरें लखनऊ के निषादगंज में शिक्षा विभाग के कार्यालय पर धरने की है। हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। डर के मारे ये एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। ये प्रदर्शनकारी यूपी में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती के रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ी के विरोध में धरना दे रहे थे, जिनको हटाने के लिए पुलिस जोर जबरदस्ती पर उतारू हो गई। हमारा कोई परिवार नहीं है, हमारा कोई परिवार नहीं है, बताइए आप योगी जी हमारे इसलिए आरोप है कि गड़बड़ी की शिकायत के बाद इलाहाबाद में एग्जामिनेशन अथॉरिटी में कॉपियां और दस्तावेज जला दिए गए, जिसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। छात्र गुस्से में हैं और निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेरा ये शिकायत है कि जब मेरा रिजल्ट आया था तो मुझे 56 नंबर देकर अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जबकि स्कैंड कॉपी में मेरे 90 नंबर है और मैं उत्तीर्ण हूँ। तो मेरा ये है कि मुझे मतलब मेरे साथ सभी लोगों को कॉपी दोबारा से चेक करी जाए, रिजल्ट दोबारा आए और सबको नियुक्ति दी जाए। गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने के बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक अधिकारी सुत्ता सिंह को सस्पेंड किया है, जबकि सीनियर आईएएस अधिकारी संजय बी रेड्डी को गड़बड़ी की जाँच का काम सौंपा गया है, जबकि विपक्ष सीबीआई जाँच की मांग कर रहा है। गलत काम करने वाले को पूर्व की सरकारें कहीं ना कहीं संरक्षण देती थी, लेकिन भाजपा सरकार में संरक्षण नहीं है किसी को। इसमें जो लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और एक कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 3 सदस्यीय कमेटी है, वो इसमें जांच कर रही है और 7 दिन के अंदर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों पर ही केवल कार्रवाई क्यों? उस मंत्री को कब आप बर्खास्त करेंगे जो विभाग देख रहे हैं? उनको तो बर्खास्त नहीं किया, तो ये एक बड़ा घोटाला है। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाएगी तो योगी जी से लेके सारे कर्मचारी इसमें फंसेंगे। बिल्कुल सीबीआई जांच हो तो जो लोग भाषण आज अच्छे अच्छे दे रहे हैं ये जेल के पीछे होंगे। जी जब इकबाल नहीं है तो सरकार क्यों चला रहे हो? योगी जी जब आपको इस बात का एहसास है कि भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं पा रहे हो तो कम से कम एक आपको लोग सम्मान करते हैं, आपके चोले का सम्मान करते हैं, तो ये मामूली सा पद है, इसको त्यागिए और इस चोले की गरमा को लेते हुए निकल जाइए। आपको बता दें दरअसल घोटाला है क्या, 68,500 अभ्यर्थियों की भर्ती में उत्तर पुस्तिका बदलने और अयोग्य लोगों को क्वालिफाइड करने का आरोप है। पहले 41,556 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया, बाद में 6,009 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई, फिर 6,000 अभ्यर्थी सफल मान लिए गए। बार बार मानक बदलने पर उम्मीदवार भड़के हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर सिस्टम को दुरुस्त करने में कितना वक्त लगेगा। देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए 2014 के चुनावों में भी शिक्षक भर्ती का मामला छाया हुआ था। 2019 से पहले एक बार फिर योगी सरकार के सामने ये बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। खबरें अभी और भी हैं, कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।